अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आग तुमने लगाई है, इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि गन छुपाकर तुम अपने शौहर को बचा लोगी? तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है दुआ भाभी। कौन सा खेल? कहना क्या चाहते हो तुम? बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कर। जितने भी अधूरे काम है ना, जाके पूरे कर लो। क्या पता कि फिर वक्त मिले या ना मिले। चाहते क्या हो तुम? क्या करने वाले हो? कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। मेरी प्यारी दुआ भाभी, जो नफरत के पेड़ तुमने लगाए थे ना, वो फल देने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत खतरनाक सजा मिलने वाली है। या अल्लाह, शेरवान करने क्या वाला है? कहीं वो गन शेरवान के हाथ तो नहीं लग गई? या अल्लाह, वो मेरे हैदर को मार देगा। या अल्लाह, मेरे हैदर की जान को खतरा। ये जगह तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, ना खोदी गई है और ना ही किसी के आसपास आने के निशान है। शुक्र है तेरा मौला कि रोहान के हाथ गन नहीं लगी। भाई, रोहान ने दूसरी गन का इंतजाम तो नहीं कर लिया? या मेरे मौला, मेरे इधर की जान खतरे में, मुझे रोहान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। जब इंसान पे डर हावी हो जाता है तो वो बेवकूफियां करने लगता है। ठीक तुम्हारी तरह दुआ, इस गन से बचने के चक्कर में तुम मुझे खुद इस गन तक लेकर आ गई। रोहन, रोहन, अम्मी हटिए, मुझे रोहन से कुछ बात करनी है। आप हटिए यहां से। नहीं हटूंगी। इस बार तुम्हारे सामने वो ही ना खड़ी है जो मर जाएगी, लेकिन तुम्हारी चालबाजियों के सामने सर नहीं झुकाएगी। अम्मी, फिलहाल मुझे रोहन से बात करनी है, इसलिए हटिए। फिलहाल तुम मुझसे बात करो दुआ। क्यों मेरे हैदू की और गजल की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रही हो, जहर घोल रही हो? मेरा बस चलेगा तो मैं आपकी बहू को घर से बाहर निकाल के फेंक दूं। और मैं उसकी जिंदगी में कोई जहर नहीं घोल रही हूँ, बल्कि वो मेरी जिंदगी में, मेरी गृहस्थी में घुस आई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।